वेलकम टू आशूज एंड विशूज ट्रैवल ब्लॉग। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो जहाज का पार्ट है उसका वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रही हूँ कि जहाज के जो विंडोज और डोर्स होते हैं वो कैसे बनाए गए हैं। बहुत ही माइन्यूट सा चीज है, बट जहाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो ये दरवाजे और विंडोज हैं इसी वजह से हम बाहर के साउंड और वेव्स, हाई वेव्स और तूफान और फायर से हम बचते हैं। इसे खोला कैसे जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल विंडोज और डोर्स जैसे हम इसे यूज नहीं करते हैं। इसका एक अलग प्रोसीजर होता है इसको खोलने का, और इसका बनावट भी बहुत ही अलग है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब नाउ। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो यही हमारे जहाज का विंडो है, और ये विंडो जो है ये टफेंड ग्लास का बना हुआ विंडो है। ये जहाज के हर एक रूम में आपको मिलेगा यही वाला विंडो, और ये नट और बोल्ट्स है जिससे ये स्क्रू किया गया हुआ है। इसका फाउंडेशन स्क्रू किया गया है, और ये स्क्रूज टोटली विंडो के चारों तरफ लगा होता है, लाइक 20 to 30 स्क्रूज लगे होते हैं। इसका ओपनिंग का एक अलग तरीका है, नॉर्मल विंडोज़ की तरह नहीं खुलता। इसमें दो क्लीट्स लगे हुए हैं जो मैं दिखा रही हूँ। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये बहुत तेज़ हवा और लहरें, विंड वेव्स, उससे हमें बचा के रखेगा। इसको ओपन करने का ये तरीका है। ये साउंड प्रूफिंग का भी काम करता है। अभी मैं खोल के आपको दिखाऊंगी कि बाहर कितना आवाज़ आ रहा है और अंदर हमें थोड़ा भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये इतनी आवाज़ें जो टूल्स और मशीन्स लगी हुई हैं जहाज पे, उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हम अभी ड्राई डॉक में हैं। दैट इट्स लाइक अ गैरेज ऑफ द शिप, तो यहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है। अभी मैं इसे सील कर देती हूँ, और चलिए मैं आपको अभी दरवाज़ा दिखाती हूँ कि जहाज़ के दरवाजे कैसे होते हैं। और ये फायर डोर है, तो यही डोर्स पूरे जहाज पे हर रूम में हर जगह पे हैं। ये आग को एक रूम से दूसरे रूम तक फैलने नहीं देते हैं। ये वेंटिलेटर है जिसको हम मैन्युअली ओपन और शट कर सकते हैं। इसे हवा या कुछ भी जो है, स्मोक या जो भी, बाहर और अंदर आ सकता है। जहाज पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ फायर प्रोटेक्शन मेंटेन किया जाता है, जिसका ये भी एक पार्ट है। ये लॉक है जिससे दरवाज़ा लॉक और ओपन हो जाता है। ये देखिए ये कितना थिक दरवाज़ा है, ये स्टील का बना हुआ है, और अंदर इसके फायर रिटार्डेंट मटेरियल है, मतलब फायर से बचाने के लिए जो भी मटेरियल्स होती हैं जो अलग किस्म के, वो इसमें है। ये डोर तो मैन्युअली हम ओपन और क्लोज करते हैं, लेकिन जहाज़ पे ऐसे बहुत सारे जगह पे, बहुत सेंसिटिव जगहों पे ऐसे डोर्स बने हुए हैं जो फायर लगते ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ये देखिए ये लोअर लेवल के आउटर डोर्स हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोस के होते हैं। ये पूरा स्टील का बना हुआ है, और अभी ये शट है, तो इसका शटिंग और ओपन अरेंजमेंट देखिए। इसके 6 क्लीट्स हैं, मतलब 6 लॉक्स हैं, और अभी हम वीडियो में चलते हैं कि इसे कैसे खोला जाता है। अभी हम इसे शट से ओपन पोजीशन पे ला रहे हैं, एस से ओ के तरफ, तो ये खुलने लगेगा, और ये सारी हमें खोलनी है तभी ये पूरा दरवाज़ा खुलेगा, बिकॉज इसके 6 लॉक्स हैं जैसे मैंने पहले पिक्चर में बताया था। ये जो रॉड है ये हम यूज़ करते हैं इसको खोलने के लिए कभी कभी जब बहुत टाइट हो जाता है। ये देखिए दूर से और अंदर से भी वैसा ही दिखता है, हम अंदर जाके भी ऐसे ही बंद कर सकते हैं। जब ये पूरा दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ये साउंड प्रूफ हो जाता है, बाहर से कुछ भी आवाज़ अंदर नहीं आता है। ये वाटर प्रूफ भी है और वेदर टाइट हो जाता है। So guys, don't forget to subscribe and press the bell icon for more amazing pictures and videos.